खुदा जालमों को इसी हद तक मोहलत दे रहा है जिस दिन के मारे डर के इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लोगों में से बुरा वो है जिसकी ताजीम इसके शर के डर से की जाए। वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकला हो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा का डर इंसान पे अपनी बरकत के दरवाजे खोल देता है। मोमिन के लिए इतना ही इल्म काफ़ी है कि वो अल्लाह ताला से डरता रहे। हम हराम के डर से 9 हिस्से हलाल भी तर्क कर देते हैं। अगर हिसाब का डर ना होता तो मैं भी एक बकरी तंदूर में भून कर खाता। सच्चाई में अगरचा डर है मगर 22 से निजात है। जब तक तुम्हारे दिल में किसी गैर का डर है तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। कामिल इंसान वो है जिससे इसके दुश्मन भी न डर हो, ना कि वो जिससे इसके दोस्त भी डरते हों। जिसके दिल में खुदा का डर है खुदा इसका महाफिज हो जाता है। तुम्हें क्या डर है अगर तुम दुनियावी हालात में शिकस्त खाते हो जबकि तुम अल्लाह के नज़दीक मुजफ्फर और मंसूर हो। जब तक अतात और डर ना हो इल्म पढ़ना और पढ़ाना बेकार है। जो शख्स दौलत के इस्तेमाल से डरता है वो दौलत पाने का हरगिज मुस्तहिक नहीं। जिस दिल में खुदा का डर है वो दिल ईमान से भरा है। डर सिर्फ हमारी तखय्युल की पैदावार है। बुरे कामों से जो डर पैदा करे वही शख्स बहादुर है। डर जिंदगी में जहर घोलता है। जिसे हारने का डर है वो जरूर हारेगा। डर बुजदली की अलामत है। डर खतरे को टालने के बजाय उसे बुला लेता है।